नमस्कार, मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आप लोगों को याद होगा कि आज से 10 11 12 महीने पहले या 1 साल पहले लोकसभा चुनाव जब नहीं हुए थे तो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की बात बहुत ज्यादा मीडिया में उछल रही थी। ईडी समन भेज रही थी और तनाव बना हुआ था कि तेजस्वी यादव गिरफ्तार होने वाले हैं। तो आज से 11 महीने पहले ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं, इसी थंबनेल को फॉलो करके ढूंढ सकते हैं। 11 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था और उस वीडियो में तेजस्वी यादव जी की कुंडली का पूरा आकलन किया था और 12 मिनट का वीडियो है शायद, उसमें 10 मिनट के बाद सुनिएगा, यानी 10 मिनट के बाद अंतिम 2 मिनट जो है वहां काफी पुरजोर तरीके से और काफी मजबूती से मैंने कहा था कि ये गिरफ्तार नहीं होंगे। हालांकि संशय रखा था मैंने कि बहुत कम आशंका है कि ये गिरफ्तार होंगे, लेकिन स्पष्ट लगभग यही कहा था कि इनकी कुंडली में, मतलब जब बात कुंडली और ग्रहों की आई तो वहां मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि गिरफ्तार होने के या जेल जाने के योग इनके नहीं है। उस वक्त तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, ये बहुत हंगामा मचा हुआ था। तो ये वीडियो मैंने बनाया था, इस वीडियो को दोबारा सुनिए और ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन को समझिए। जो न्यू लर्नर है, जो ज्योतिषी हैं, उनके लिए ये मैं रिपीट दे रहा हूं इन चीजों को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे बिहार के एक उभरते हुए सितारे तेजस्वी यादव जी की। जी हाँ, तेजस्वी यादव जी की कुंडली की विवेचना आज मैं करूंगा। तेजस्वी यादव जी का डिटेल्स मुझे किसी व्यक्ति से मिला है, व्यक्तिगत तौर पे मिला है। ये डाटा गूगल से नहीं लिया हुआ है। तो तेजस्वी यादव जी का जन्म 9 नवंबर 1989, 1989, बृहस्पतिवार दिन के 12:30 पटना, मकर लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है उनकी, और लग्न में उनके राहु बैठे हुए हैं, लग्नेश शनि द्वादश भाव में है, दशमेश शुक्र द्वादश भाव में है, दशम भाव में सूर्य बुध मंगल बैठे हुए हैं। सूर्य अष्टमेश है, अष्टमेश होकर दशम भाव में, बुध नवमेश है दशम भाव में, मंगल एकादशेश और चतुर्थेश है दशम भाव, और बुध षष्ठेश और नवमेश होकर दशम भाव में बैठे हुए हैं। वैदिक ज्योतिष का एक बिल्कुल बेसिक पॉइंट है कि त्रिकोण का लॉर्ड जब केंद्र में आ जाता है तो वो अपने आप में एक राज्योकारी सृष्टि करता है। नवमेश का यहाँ दशम में आना एक बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। दशम में सूर्य दिग्बली, दशम में मंगल दिग्बली, ये दोनों ग्रह बहुत मजबूत हो रहे हैं, और लग्न का राहु इन्हें काफी डैशिंग नेचर का बनाता है। वो जब बोलते हैं तो राहु का प्रभाव और स्पष्ट बोलना जो उनकी बातों से झलकता है, ये राहु का प्रभाव है। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है, लग्न में बैठे हुए हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु अगर बैठा हो तो इसका एक लाइन में फलादेश है कि जातक कर्म योगी होता है, और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का पीक का नक्षत्र है, यानी धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल देव उच्च के होते हैं, और मंगल का स्वभाव होता है अपने काम के प्रति लगन, और राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में होना जातक को प्रोफेशनल बनाता है, एक्शन ओरिएंटेड लीडर बनाता है, और ये समाज के लिए उदाहरण बनते हैं अपने एक्शन के द्वारा, अपने काम के द्वारा। एक और लाइन आपको बताना चाहूंगा, धनिष्ठा नक्षत्र इंडिकेट करता है एक मेल लायन को, शेर को, जिसने अभी अभी अपना भोजन कंप्लीट किया है और रेस्ट ले रहा है। राहु चूंकि राजनीति का कारक है, इसलिए मैं राहु की व्याख्या आपको थोड़ी लंबी दे रहा हूं।
राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में होना जातक हाईली एक्टिव होता है और एग्रेसिव नेचर का होता है। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है ऐसे कुछ लोगों का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, यानी उनका नाम बता रहा हूं। व्लादिमीर पुतिन, जो इस वक्त रशिया के राष्ट्रपति हैं, सर्वे सर्वा हैं। इमरान खान, इनका भी राहु धनिष्ठा में ही है। और राहु धनिष्ठा नक्षत्र में हो तो ऐसा जातक गिव अप नहीं करता है, यानी हार नहीं मानता है। और ये हार ना मानने का नेचर आपको तेजस्वी यादव जी में दिख रहा होगा। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में होने का मतलब है जातक वॉरियर होता है, क्षत्रिय स्वभाव का होता है। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ हो और ऐसे जातक के कान में उसकी किस्मत अगर कहे आकर कि यू कैन नॉट विदस्टैंड द स्टॉर्म, यानी आप तूफान के आगे खड़े नहीं हो सकते, तो वॉरियर विश्वर बैक, आई एम द स्टॉर्म, यानी मैं ही तूफान। ऐसा जातक कभी हार नहीं मानता, ये राहु की खासियत है। इस वक्त तेजस्वी यादव जी की जो महादशा चल रही है वो बुध की महादशा है, 4 अगस्त 2015 से चल रही। और वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको कहा कि बुध इस कुंडली के लिए राजयोगकारी बना हुआ है। ज्योतिष का बेसिक नियम है, त्रिकोण का लॉर्ड जब केंद्र स्थान में बैठ जाए तो राजयोग बन जाता है। यहाँ नौमेश दशम भाव में बैठा हुआ है और बुध में इस वक्त अंतरदशा उनकी चल रही है चंद्रमा की, सितंबर 2022 से जो फरवरी 2024 तक चलेगी। उसके बाद मंगल की अंतरदशा शुरू होगी बुध में। मंगल और बुध का योग दशम भाव में इन्हें काफी तार्किक बनाता है। ये अपनी बातों को काफी नफासत से, काफी तरीके से और सलीके से और तथ्यों के साथ रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बुध की स्थिति का विचार अगर करें तो बुध विशाखा नक्षत्र में विचरण कर रहा है, तुला राशि में 22 डिग्री का है और चलित में बुध नवम भाव में बैठा हुआ है, यानी केपी चलित में बुध का संबंध नवम भाव से बना हुआ है। राजयोग D1 चार्ट से बन रहा है और दशा अंतरदशा में नवम का भाग्य भाव का फल मिल रहा है। और गुरुदेव मिथुन में बैठे हुए हैं 17 डिग्री, तो गुरु पंचम भाव से संबंध बना रहा है, क्योंकि छठा भाव जो है 25 डिग्री से शुरू हो रहा है, डिग्री में गुरु 15 डिग्री का है, तो केपी चलित में वो पिछले भाव में यानी पंचम में रह गए। गुरु का कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, 2 5 11 12। बुध का कॉम्बिनेशन है, 5 में बली है बुध, 6 8 9, 2 11 12। अब बुध का संबंध 11 से कैसे बन रहा है वो भी देख लीजिए। धनु राशि यहाँ एकादशेश बनी हुई है, धनु राशि 2 भावों की लॉर्ड बन गई है, मिथुन 2 भावों की लॉर्ड बन गई है। केपी में अनइक्वल डिवीजन सिस्टम की वजह से ऐसा होता है कि कोई राशि 2 2 भावों की लॉर्ड बन जाती है और कोई राशि गायब हो जाती, जैसे यहाँ सिंह और कुंभ राशि गायब है। तो बुध का एकादश से संबंध बना है, बुध की महादशा 2015 से शुरू हुई है, अगस्त 2015 से। और आप जरा सा फ्लैशबैक में जाए तो तेजस्वी यादव जी उसी वक्त से लाइमलाइट में आए हैं। आपको अगर याद हो तो तेजस्वी यादव 2015 में ही उप मुख्यमंत्री बने थे और राजनीतिक परिदृश्य में, यानी राजनीतिक मंच पर फ्रंट लाइन में आ गए थे। तेजस्वी यादव जी का राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल है और बुध की महादशा अभी उनकी चलेगी 2032 तक। अभी बुध में चंद्रमा की अंतरदशा है, चंद्रमा का भी आकलन हम करेंगे। चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा का संबंध भी इस वक्त एकादश से बना हुआ है। यह कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं चंद्रमा का, चंद्रमा 1 7 2 5 11 12, चंद्रमा का संबंध भी एकादश से बना हुआ है। आने वाली मंगल की अंतरदशा जो है 3 9 10, मंगल की अंतरदशा 4 फरवरी 2024 से शुरू होगी। मंगल स्ट्रांगली दशम भाव में बैठा हुआ है और मंगल स्वाति यानी राहु के नक्षत्र में, राहु प्रथम भाव में बैठा हुआ है। मंगल दिग्बली है,
मंगल राज जो कारी भी है, दशम भाव में सूर्य के साथ बलि है, और इस वक्त उनकी अंतरदशा जो चंद्रमा की चल रही है, एकादश से संबंध बना हुआ है और चंद्रमा का संबंध प्रथम भाव से बना हुआ है। चलित में चंद्रमा प्रथम भाव में है और चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होने की वजह से चंद्रमा का संबंध एकादश भाव से बना हुआ है, क्योंकि गुरु का जो कॉम्बिनेशन है 2 5 11 12, यहाँ फिर आप देख सकते हैं 2 5 11 12, यानी चंद्रमा का संबंध एकादश से बन रहा है। तो चंद्रमा की अंतरदशा, मंगल की अंतरदशा, ये दोनों अंतरदशाएं तेजस्वी यादव जी के लिए फेवरेबल है, और उसके बाद राहु की जो अंतरदशा आने वाली बुध में, वो भी फेवरेबल है। राहु प्रथम भाव में 3 9 10 कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है राहु, धनिष्ठा नक्षत्र। राहु के बाद बृहस्पति 2 5 11 12, बृहस्पति के बाद शनि 11 में बहुत मजबूत है, 11 1 4 9। तो मैं आपको बता दूं काफी स्पष्ट शब्दों में, ये तेजस्वी यादव जी की अंतरदशा जो चल रही है इस वक्त चंद्रमा की बुध में, बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा अभी 2032 तक बेरोक टोक दशा है, यानी तेजस्वी यादव जी का समय और दशा बहुत बेहतरीन है। ज्योतिष की अगर माने, चंद्रमा और मंगल की अंतरदशा को अगर हम आधार बनाए समझने के लिए, तो सबसे बड़ा खतरा जो उनके ऊपर मंडरा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। मेरा आकलन है कि उनके जेल जाने के योग बहुत क्षीण है, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति केपी चलित में द्वादशेष भी है लेकिन एकादशेष भी बन रहा है, और बृहस्पति जो है खुद पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव छठे भाव का द्वादश भाव होता है, मामला मुकदमा से, रोग शत्रु से पंचम भाव का कॉम्बिनेशन जातक को मुक्त करता है। क्योंकि चंद्रमा का संबंध बृहस्पति की वजह से द्वादश को भी सिग्निफाई कर रहा है, द्वादश भाव से भी बना हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि आंशिक तौर पे वो कहीं फंसे, संभावना बनी हुई है बिल्कुल हल्की सी जिसे कह सकते हैं। लेकिन आने वाली मंगल की अंतरदशा में ऐसा कोई योग नहीं है, राहु की अंतरदशा में कोई योग नहीं है, बृहस्पति में नहीं है, शनि में नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि वो गिरफ्तार होंगे, और अगर गिरफ्तार होते भी हैं किसी कारण से तो उन्हें लंबे समय तक जेल में नहीं रोक पाएंगे। ये छोटा सा आकलन मेरा तेजस्वी यादव जी के बारे में आपके सामने है। आने वाला भविष्य उनका बहुत उज्जवल है, तेजस्वी यादव जी की कुंडली काफी स्ट्रांग है। एक और ग्रह के बारे में आपको मैंने नहीं कहा, शुक्र भी एकादश में है चलित में, जो द्वादश में नजर आ रहा है, चलित में शुक्र भी 4 9 11 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो एकादश भाव से इनकी कुंडली का संबंध बहुत जबरदस्त बन रहा है। आपको मैं बिना किसी द्विधा के अगर कहूं तो तेजस्वी यादव जी की कुंडली राहुल गांधी जी की कुंडली से भी ज्यादा मजबूत है, और इस वक्त के जितने राजनीतिज्ञ उनकी उम्र के जो है उनमें सबसे स्ट्रांग कुंडली तेजस्वी जी की है, बाकी ईश्वर की इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।